हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे इंडियन ओमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका ओमेंस का बीच जो T20 मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। इंडियंस ओमेंस और साउथ अफ्रीका ओमेंस के बीच जो T20 मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार आज ही शाम को 7:30 बजे। आज ही शाम को 7:30 बजे जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताएंगे स्ट्रॉन्ग कौन सा टीम है, कमज़ोर कौन सा टीम है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड कौन सा टीम कितने खेले हैं और कितने जीते हैं, रिसेंट के कितने मुकाबले खेले हैं ये भी बताएंगे। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से ऋषा घोष का सलेक्शन परसेंट लो है, लेकिन रिसेंट के कुछ मैच में फ्लॉप्स होने के कारण उनकी सलेक्शन परसेंट लो हो गया है, और ये 4 नंबर में बैटिंग करेगा, साथ ही साथ अच्छे विकेट कीपिंग करेगा, इसलिए ऋषा घोष को अपनी टीम में जरूर ट्राई कीजिए। ऋषा घोष जो है वो नहीं खेलेगा तो इनका लाइनअप में अभी शामिल नाम नहीं है, एस फरन का लाइनअप में नाम शामिल है। ये 7 नंबर में बैटिंग करेगा, साथ ही साथ विकेट कीपिंग करेगा, सलेक्शन परसेंट हाई है, और जो है साउथ अफ्रीका का बैट्समैन इतना स्ट्रॉन्ग है कभी कल इन्हें मौका मिल सकता है, अन्यथा इन्हें मौका मिलने का चांस बहुत कम है। यू कैंडन ये 5वां ऋषा घोष के स्थान पर, ये आज इनकी भी बैटिंग लाइनअप में नाम शामिल है, और ऋषा घोष के जगह आज ऋषा घोष नहीं खेलेगा। इन दो विकेट कीपर है, दो विकेट कीपर को आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का सेफ टीम जो भी टीम लगाते हैं उन टीम में इन दोनों विकेट कीपर में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। हालांकि सेफ के साथ ये रहेगा क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर मिल जाएगा, T20 है, या तो ओवर समाप्त हो जाता है या तो बैटिंग करने का मौका मिलता ही नहीं है। 7वां नंबर स्थान, 10 मैच में ऐसा देखा गया है, एक एक मैच में ऐसे होता है जो एस सफर का मौका मिल जाता है वो विकेट गिरता है ज़्यादातर, इसलिए यू एन विकेट कीपर सेक्शन में आज का टीम में रहने वाला है, चाहे हेड टू हेड लीग स्मॉल लीग मेगा GL का सेफ टीम GL का रिक्स टीम जो भी टीम बनाते हैं यू चैटियर को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अब आते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में लेड का रिकॉर्ड के रिसेंट की फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छे खासे फॉर्म में है। एस महतना को रिसेंट के फॉर्म थोड़ा बुरी चल रहा है, 4 मुकाबले खेले हैं, 4 में से 3 में अच्छा परफॉर्म किया है, 1 में फ्लॉप्स हुए हैं। हैंग कोरी खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक है, सलेक्शन परसेंट लो है। एस वर्मा को अपनी टीम में शामिल करना है या नहीं, एस वर्मा के रिसेंट के फॉर्म बुरी है, लेकिन एक बात इनके अंदर है, ओपनर है, पार्ट टाइम कभी बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन अभी बॉलिंग नहीं करती है और रिसेंट के फॉर्म बुरी है। अगर एस वर्मा को ड्रॉप करना चाहें कर सकते हैं, उसके जगह लो सलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को ले सकते हैं क्योंकि सलेक्शन परसेंट भी ठीक है। ये वेज अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं लेकिन इस टीम के खिलाफ फ्लॉप्स हुए हैं, ठीक ठाक है। ए जॉर्डन ठीक ठाक के नीचे उड़ने के बाद भी अच्छे खासे प्रदर्शन कर लेता है, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। टी वेस्टर्न रिसेंट की फॉर्म बुरी था, लेकिन एक मुकाबले में इनकी बल्ले फिर से वापस आ गया है, फॉर्म और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मेन भूमिका रहने वाला है। अब देखिए ये 7 बैट्समैन हैं, 7 बैट्समैन में से किसी बैट्समैन को आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। और अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड पावर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 149 बनेगा। वेन्यू महाचन स्टेडियम जो है वो खेला जाएगा चेन्नई का स्टेडियम में। मेरे हिसाब और मेरे अनुभव से बैटिंग पिच तो है, और जो टीम टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला लेगा 99% रहता है उनको जीतने का, सेकेंड इनिंग में कम जीता है। इस मैच इस टीम के अगेंस्ट यानी इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले रिसेंट के हुए हैं, 6 मुकाबले में से 5 मुकाबले जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो टीम टॉस जीतेगा वो 100% जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग सेकेंड करना यानी चेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करना आसान होता है, इसलिए टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लेगा या हार कर भी चाहेगा बैटिंग करने के लिए, ये बात टॉस होने के बाद ध्यान दीजिएगा। अब एम के अच्छा खासा प्रदर्शन है, अच्छा खासा प्रदर्शन में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, दोनों टीम यहाँ पर 13 मुकाबले खेले हैं, 13 मुकाबले में से इंडियन जो है 7 और जो है वो 6 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीते हैं।
रिचर्ड के कुल मिलाकर। हेड टू हेड T20 का 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले में से 2 जो है साउथ अफ्रीका जीते हैं, 1 इंडियन जीते हैं। रिसेंट के फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो इंडियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडियन वोमेंस, और पहले के रिकॉर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर दीप्ति शर्मा का हर कोई लेखता है, इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबले में 4 विकेट निकाली है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रही है। एन नेरकर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, हेड टू हेड खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पूजा भेकेसर हेड टू हेड मुकाबले खेले नहीं है, लेकिन रिसेंट के फॉर्म में काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन करती है, हर मुकाबले में अच्छे खासे स्कोर करती है। एस्टोन स्पिनर है, सेलेक्शन परसेंट लो है, बॉलर अच्छी है, रिकॉर्ड अच्छी है, लेकिन खास प्रदर्शन अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रही है। इन 5 ऑलराउंडर है, 5 ऑलराउंडर में से 3 ऑलराउंडर 2 ऑलराउंडर आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में, यहाँ पर आते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में इंपॉर्टेंट बॉलर एक हैं का खास विकेट इस टीम के खिलाफ नहीं मिला है, जब जब इस टीम के खिलाफ मुकाबले खेले हैं 1 विकेट निकाले हैं। और यहाँ पर देखिए एम कल से अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन खेलेगा नहीं। एन नावलिया का सलेक्शन परसेंट लो है, अच्छे खासे हेड टू हेड मुकाबले में जब जब खेले हैं 2 विकेट 1 विकेट निकाल कर जाते हैं। अब पी साल्ट इस टीम के अगेंस्ट खेला नहीं, लेकिन लाइनअप में नाम शामिल है, आज खेलने का चांस है, और यहीं पर स्पिनर है, ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। राधा यादव वैसे ही इकलौती स्पिनर है, पिटाई होने के बावजूद भी विकेट निकाल लेती है। एस्टोन खेलेगा नहीं, अभी यहाँ पर एर रेड्डी का लाइनअप में नाम शामिल है, अपने टीम में इन बॉलर को जगह जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पर 6 बॉलर है, 6 बॉलर में से 2 बॉलर 3 बॉलर जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं सबसे पहले बॉलर सेक्शन में लूँगा, क्योंकि मैं गरेंडली का रिक्सी टीम बनाता हूँ, इसलिए बॉलर पर फोकस करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा सबसे पहले बॉलर रहेगा एन नेवला, एन नेवला को मैं मेवला को रखा हूँ, और इन्हें रखने के बाद देखिए राधा यादव पीसाल को मैं रखा हूँ, ये 3 बॉलर को मैं अपनी टीम में रखा हूँ, और 3 में से 2 डर्म का डियोनिक है, 1 डर्म का डियोनिक है और श्रेब है। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, एम कीप को रखूँगा, दीप्ति शर्मा को रखूँगा, पिटाई होता है फिर भी विकेट मिल जाती है, इन्हें लेखने के बाद एस्टोन को रखूँगा, पूजा विकेट सर को रखूँगा, एन नर को अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आता हूँ बैट्समैन सेक्शन में, बैट्समैन सेक्शन में टी वेस्टर्न का अच्छा खासा फॉर्म है, ओपनर है, ए वच को अपनी टीम में ट्राई करूँगा, एल लॉयड, और इसे मैं अभी ए बच को ड्रॉप कर इम्पॉर्टेंट जो है एस माधना या हैंकोर को ट्राई कर रहा हूँ, एस माधना को कर रहा हूँ 3, अब यहाँ पर ए पर इनको कर रहा हूँ, 5-6 का कॉम्बिनेशन हुआ है। देखिए मेरा 1 विकेट कीपर है और 3 बैट्समैन है, 3 बैट्समैन में से 2 बैट्समैन साउथ अफ्रीका का है, 1 बैट्समैन एस माधना इंडियन का है। अब ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर है, 2 इंडियन का है, 2 साउथ अफ्रीका वोमेंस की है। अब बॉलर में 1 बॉलर इंडियन साउथ अफ्रीका की है और 2 बॉलर इंडियन की है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब आ जाता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन। हर कोई अभी रिसेंट के फॉर्म में एस माधना को सेफ कैप्टन मानेगा और वाइस कैप्टन के रूम में रहेगा यहाँ पर दीप्ति शर्मा, लेकिन मैं थोड़ा रिक्सेबल कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊँगा, जिसके कारण सेलेक्शन परसेंट मैं एल एवर्ट को कैप्टन दूँगा, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ने कम है, लेकिन बल्लेबाज अच्छा है, कैप्टन इसे दिया हूँ, रिसेंट के फॉर्म भी अच्छे हैं, और राधा यादव को मैं आज वाइस कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ, सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहती है, फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा, इस तरह मेरा टीम का परव्यू रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।